अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। आज एक कुख्यात नशे का सौदागर, नशे के सामान का तस्कर जाबिर पुत्र महबूब खान, निवासी गली नंबर 6 गालिम नगर थाना रसूलपुर, इसको गिरफ्तार करके इसके कब्जे से आधा किलो से भी ज़्यादा हेरोइन को बरामद करके आज इसको जेल भेजा गया है। ये बहुत ही कुख्यात नशे का सौदागर है जो पिछले 30 सालों से हमारे फिरोजाबाद सिटी के तमाम युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है। ये नशे की बिक्री करता है, उसके सेवन से हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं। ऐसे तमाम युवाओं को कुछ लोग गुमराह करके बलवा भी करा लेते हैं। मैं उनको सचेत करना चाहता हूं ऐसे युवाओं को और उनके परिवारों को कि कृपा करके नशे का सेवन ना करें। इस तरह के जो माफिया नशे की बिक्री कर रहे हैं उनका नाम पुलिस को बताएं, 112 पर सूचना दें, चाहे SP के जो नंबर जारी किए गए हैं उस पर गोपनीय रूप से व्हाट्सएप करें, सूचना दें। आपकी सूचना पर अमल किया जाएगा और नशे के सौदागरों को, जुआ सट्टा के माफियाओं को जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। जुआ सट्टा के माफिया और नशे के सौदागर भी कान खोलकर सुन लें, अभी उनको भ्रम है कि वो बचे रह जाएंगे, उनको कोई सपोर्ट कर देगा, कतई इस मुगालते में ना रहें। जैसे ही आपके खिलाफ कोई प्रामाणिक सूचना मिलती है, सबूत मिलता है, आपको गंभीर धाराओं में बुक करके न्यायालय के समक्ष उपस्थित करके जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप अपनी गलत कार्रवाइयों से, गंदे धंधे से 15 से 20 साल पीछे चले जाएंगे। तो इसलिए गलतफहमी दिमाग से निकाल दें कि किसी की पैरवी इसमें मानी जाएगी। जैसा कि आपको जानकारी है, जाबिर नाई को आज जेल भेजा गया है। इसने बताया है कि इसके रैकेट में कुछ सफ़ेदपोश नेता भी शामिल हैं, कुछ मीडिया के, कुछ लोकल चैनल के लोग भी शामिल हैं, कुछ पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल हैं। आश्चर्य की बात है, इन सभी के खिलाफ गंभीर जांच करने के लिए SPCT मुकेश मिश्र के नेतृत्व में टीम गठित की गई है और बहुत ही जल्दी ऐसे लोगों को जो लबादा ओढ़े हुए हैं, जो अच्छा बनने की झूठी शान का लबादा ओढ़ के घूमते हैं, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। इसलिए कोई भी इस तरह की सूचना हो तो तत्काल दें। आपकी फिरोजाबाद पुलिस, आपके SPCT, SPRA, SP सभी लोग इस काम में मुस्तैद रहेंगे, आपकी सूचना पर अमल किया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत जल्द सभी को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।